एपिसोड की शुरुआत में एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन के सामने खड़ा होता है, फिर वो ड्रैगन पर अटैक करता है एंड जैसे ही अटैक करता है यहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसके साथ उस ड्रैगन का नामो निशान मिट जाता है। फिर आदमी कहता है कि इसने काम नहीं किया है, अब मेरे क्रेस्ट के पास ग्रो करने का कोई भी चांस नहीं है। फर्स्ट क्रेस्ट होता है क्रिएशन का जो कि मेरा है, दूसरा क्रेस्ट पावर का है एंड तीसरा फायर का है। मुझे और भी स्ट्रांग बनना होगा जिसके लिए मुझे चौथे क्रेस्ट को पाना होगा जो कि सोलो मैजिक कॉम्बैट के लिए एकदम बेस्ट क्रेस्ट है। लेकिन ह्यूमन को उसका क्रेस्ट उसके जन्म के साथ ही मिल जाता है जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है, फिर जिसका मतलब है कि मेरा क्रेस्ट भी चेंज नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर वो कोई पावरफुल स्पेल करता है एंड गायब हो जाता है। अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम बैटी होता है एंड उससे काट वाला आदमी कहता है कि वो 11 साल की उम्र में अपना गांव छोड़ के एग्जामिनेशन के लिए बाहर क्यों जा रहा है। एंड मैटी कहता है क्योंकि वो जल्दी एकेडमी जाके सबसे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। तब वो काट वाला कहता है कि मैं समझ सकता हूँ लेकिन तुम्हारा क्रेस्ट इतने में ही मैटी को कुछ सेंस होता है एंड वो कहता है कि डिवर हमारे नज़दीक है एंड हमारे पास आ रहा है, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम मजाक अच्छा करते हो एंड ये काफ़ी फनी है। तभी इनके सामने सच में एक डिवर आ जाता है जिसे देख के वो आदमी काफ़ी डर जाता है, लेकिन मैटी उसे एक ही अटैक में मार देता है। फिर मैटी रॉयल कैपिटल में पहुंचता है जो कि उसे काफ़ी सुंदर भी लगता है। फिर वो जा रहा होता है तभी वो एक शॉप के पास रुकता है एंड वो कोई आवाज़ सुनता है तो वो भी उस शॉप में चला जाता है एंड यहाँ पर एक लड़की कह रही होती है कि प्लीज़ आप मेरी फ्रेंड के लिए एक मैजिक ब्रेड बना दीजिए, उसकी टूट गई है। शॉप ओनर कहता है कि तुम काफ़ी लाउड बोल रही हो। तब वो लड़की कहती है कि प्लीज़ बनवा दीजिए ना, उसको प्रोटेक्ट करते वक्त वो ब्लेड टूट गई थी। वो शॉप ओनर कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं वैसे ही ब्लेड बनाऊं लेकिन ये मेरे पावर से बाहर है। एंड यहाँ पर मैटी वेपन्स देख रहा होता है एंड वो कहता है ये वेपन बिल्कुल भी खराब नहीं है लेकिन इनका इंचेंटमेंट काफ़ी कमज़ोर है। तब वो लड़की कहती है कि प्लीज़ कल मेरी फ्रेंड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तब वो शॉप ओनर कहता है कि तुम किसी और शॉप पे क्यों नहीं जाती हो एंड वहाँ से खरीदती हो। तब वो लड़की कहती है कि ये शॉप मेरी आखिरी उम्मीद है। फिर वो शॉप ओनर कहता है कि तुम्हारा दूसरे वेपन के बारे में क्या ख्याल है। तब वो लड़की बताने लगती है कि उसे कैसी स्वॉर्ड चाहिए, कि वो स्वॉर्ड लंबी होनी चाहिए एंड उसे एक लड़की हैंडल कर पाए ऐसी होनी चाहिए। तब वो शॉप ओनर कहता है कि अगर तुम्हें वैसी स्वॉर्ड का रिप्लेसमेंट चाहिए तो तुम्हें एक मैजिक एंचेंटमेंट वाली मैजिक ब्लेड चाहिए होगी जो कि एक बनाना ही काफ़ी मुश्किल है। तब बैटी कहता है कि मैं वो बना सकता हूँ। तब शॉप ओनर कहता है कि तुम बस कूल बनने का एक्ट कर रहे हो। फिर बैटी कहता है कि ये बात सच है कि एंचेंटमेंट का मैजिक फोर्थ क्रेस्ट जितना पावरफुल नहीं होता है लेकिन मैं उसके साथ एक सिंपल मैजिक ब्लेड तो बना ही सकता हूँ। तब वो शॉप ओनर कहता है तुम्हारे पास एक क्रेस्ट फेलियर है जिससे ये और भी नामुमकिन सा है। फिर वो लड़की कहती है कि प्लीज़ मुझे एक स्वॉर्ड खरीदनी है एंड आप उसमें ऐसा होल रखना जिसे ये क्रिस्टल उसमें जा सके एंड ये लड़का मेरी आखिरी उम्मीद है। फिर वो शॉप ओनर कहता है अगर इसका एंचेंटमेंट फेल हो गया तो फिर ये स्वॉर्ड के साथ तुम्हारा मैजिक क्रिस्टल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर वो लड़की कहती है कि हे यंग मैन, अब ये मैजिक एंचेंटमेंट मैं तुम पे छोड़ती हूँ एंड मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आगे हम देखते हैं कि ये लड़की अपना नाम आल्मा बताती है। उसका नाम आल्मा लेपिसियस है एंड उसने अपना गांव छोड़ दिया क्योंकि उसे किसी वियर्ड पर्सन से शादी नहीं करनी थी। फिर मैटी कहता है कि मेरा नाम है मैटियस हेलशेनर एंड तुम मुझे मैटी ही बुलाओ। फिर आल्मा कहती है कि तुमसे मिलके खुशी हुई मैटी, मेरी फ्रेंड भी एक स्वॉर्ड मैन है एंड हम दोनों ने एक साथ मिलके गांव छोड़ा था। इतने में उसकी फ्रेंड आ जाती है जिसे देख के मैटी फिदा हो जाता। वो लड़की आल्मा से कहती है कि कुछ हुआ क्या, मैंने यहाँ के सारे स्वॉर्ड्समिथ से पूछ लिया लेकिन कल तक एक मैजिक ब्लेड बनाना इम्पॉसिबल है। फिर आल्मा कहती है ये है मैटी जो कि अपना एंचेंटमेंट हमारी स्वॉर्ड में परफॉर्म करने वाला है।
एंड मैटी अपना इंट्रोडक्शन एक ही झटके में कर देता है। तब आलमा कहती है कि तुम इतने फॉर्मल क्यों बन रहे हो। मैटी सोचता है क्या मेरा इंट्रोडक्शन इतना डिस्कस्टिंग था, क्या वो मेरी फ्रेंड बनेगी। एंड वो लड़की भी मैटी को काफ़ी पसंद करती है। एंड फिर वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम लूरी एबरड्रॉथ है एंड उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, अभी उसे लूरी ही बुला सकता है। तभी मैटी सोचता है क्या मैं अकेला ही हूँ जिसे नहीं पता है कि अपना रिलेशन स्टेटस भी बताना होता है। तभी यहाँ पर शॉप ओनर आ जाता है स्वॉर्ड लेके। फिर मैटी आलमा से मैजिक स्टोन मांगता है एंड वो मन में कहता है मुझे स्वॉर्ड को इसकी लेंथ एंड इसके वेट के हिसाब से एक नॉर्मल स्वॉर्ड की तरह बनाना है। मुझे इस पे बस ड्यूरेबिलिटी एंड आयरन कटर स्पेल रॉड करना है। एंड उस स्वॉर्ड पे स्पेल करता है। तब वो कहता है ये हो गया। एंड तभी ये तीनों कहते हैं इतनी जल्दी, इसमें तो वक्त लगता है। शॉप ओनर कहता है इसने इंचेंट किया ही नहीं है। एंड तभी लूरी कहती है कि ट्राई करने में क्या चाहता है। एंड इतने में उसकी तलवार सिर्फ टेबल को थोड़ा टच ही करती है एंड टेबल बटर की तरह कट जाता है। शॉप ओनर कहता है कि तुमने कुछ सेकंड में ही सिर्फ अर्जेंट कर दिया, तुमने ये कैसे किया। एंड मैटी कहता है ये तो नॉर्मल एंचेंटमेंट है। फिर आलमा कहती है ये नॉर्मल नहीं है, तुम हो कौन मैटी। फिर वो शॉप ओनर कहता है कि तुम इतनी जल्दी एंचेंटमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरे सामने ही इसे किया है एंड वो स्वॉर्ड मैंने खुद बनाई थी, तो क्या तुम इसके रिप्लेसमेंट में एक और एंचेंटमेंट करोगी। इन सारी बातों का सिर्फ एक ही मतलब होता है। वो लड़कियां कहती है क्या। एंड फिर वो कहता है क्या तुम मेरे साथ एंचेंटमेंट करना चाहोगे। मैटी एंड मैटी तुरंत ही मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये टेस्ट देने आया होता है जहाँ पर इसे लूरी मिलती है एंड वो कहती है कि हम हार्ड वर्क करेंगे एंड इसे पास कर लेंगे। यहाँ पर आलमा भी आ जाती है जिसका टेस्ट खास गया नहीं होता है। एंड इसके बाद लूरी की बारी आती है एंड लूरी जाते ही उस पसंद की स्वॉर्ड ही कार्ड देती है। फिर मैटी की बारी आती है तब एग्जामिनर नहीं आता है, उसके बदले कोई और पर्सन आता है। मैटी उससे पूछता है कि एग्जामिनर कहाँ है। तब वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने ही लूरी की स्वॉर्ड एंचेंट की थी ना। एंड मैटी कहता है कि हाँ, लेकिन तुम कौन हो। एंड फिर वो कहता है एग्जामिनर एक्सपीरियंस है एंड मुझे एक्सपीरियंस करना था पहले क्रिएटर सन के हेड की एबिलिटी का, वो तुम्हारे फादर है ना। एंड मैटी कहता है कि तुम मेरे फादर को जानते हो। फिर वो आदमी कहता है कि हाँ, अगर तुम मुझे काफ़ी अच्छी टक्कर देते हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम दूसरे टेस्ट में कैसा करते हो, मैं खुद एकेडमी में रिकमेंडेड करूँगा। मैटी मन में कहता है कि उसने मुझे अगर कह के मुझे काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया है, अब मैं उसे दिखाता हूँ कि मैं कितना कैपेबल हूँ। एंड फिर मैटी उस पर अटैक करता है एंड उसके अटैक को भी ब्लॉक करता है, जिसे देख के वो बंदा भी हैरान होता है। एंड इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर सारे लोग हैरान होते हैं उसे देख के। एंड आराम से मैटी उसे हरा देता है। एंड ये पर्सन होता है कैप्टन ऑफ द नाइट। बाद में एक और टारगेट टेस्ट लिया जाता है जहाँ पर लूरी फायर स्पेल का यूज करके टारगेट को ब्लास्ट कर रही होती है। तब मैटी सोचता है ये बिल्कुल अपने नाम की तरह है, ये उसका यूज तभी कर सकती है जब इसके पास कोई स्पेसिफिक स्पेल हो। इस स्पेल का क्रिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई भी यूज कर सकता है लेकिन इसका असर भी काफी कम होगा। स्पेल कास्ट करने वाला इजीली डिफीट हो सकता है जबकि वो अटैक के वक्त इस स्पेल का यूज करता है, तो ये स्पेल मैजिक कॉम्बैट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी लूरी सारे टारगेट को ब्लास्ट कर देती है। एंड मैटी कहता है अगर वो याद रख सके तो फर्स्ट क्रेस्ट के साथ इसका मस्त पेयर बनेगा एंड मैजिक कॉम्बैट के लिए ये काफी बढ़िया होगा, तो ये उसके लिए सुटेबल भी रहेगा। एंड मेरा वाला फोर्थ क्रेस्ट है। फिर मैटी अपने एग्जामिनर से पूछता है फायर एरो के लिए कोई भी स्पेल का यूज कर सकते हैं। तब वो कहता है ऐसा कुछ भी रूल में नहीं है, फायर स्पेल बस एक बेसिकल स्पेल है। अगर तुम एक क्रिस्ट फेलियर हो तो तुम फिर किसी और भी चीज़ का यूज करके टारगेट को हिट कर सकते हो एंड पास हो सकते हो। फिर मैटी कहता है मुझे बस उस टारगेट को हिट करना है एंड ब्लास्ट करना है। फिर वो कहता है कि हाँ,
फिर बेटी कहता है कि टीचर आप यहाँ से दूर रहें तो काफ़ी अच्छा होगा। एंड फिर वो कोई स्पेल करता है एंड कहता है कि मैं इसमें मास्टर नहीं हूँ लेकिन मैं इसे किसी डायरेक्शन में तो भेज ही सकता हूँ। एंड उस स्पेल का यूज करके सारे टारगेट वाली जगह को ही उड़ा देता है। एंड वो कहता है कि थैंक गॉडनेस, मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। अगले सीन में बैठी यूनिफॉर्म पहन के निकलता है एंड रास्ते में उसे लूरी एंड आलमा मिलते हैं, जहाँ पर लूरी और बैठी एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तब आलमा कहती है कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। तब बैठी घबराते हुए कहता है कि हमें स्कूल में जाना चाहिए वरना सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये सेरेमनी में होते हैं एंड इनका हेड मास्टर स्पीच देने आता है। वो कहता है कि उसका नाम एडवर्थ है एंड उसे लंबी स्पीच देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जगह फर्स्ट रॉयल कैपिटल एकेडमी से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ ही तुम्हारी सब कुछ है। यहाँ पर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड एंड तुम्हारे क्रिस्ट का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर हार्ड ट्रेनिंग करना एंड अपनी स्पीच खत्म करके जाने लगता है। तभी वो बैटी का नाम लेता है एंड कहता है कि ऑफिस में आके मिले। आगे बैटी ऑफिस के बाहर खड़ा होता है एंड वो सोचता है क्या उसे कंपाउंड खराब करने की वजह से यहाँ बुलाया गया है, क्या उसे पहले ही दिन से स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी हेडमास्टर आ जाता है एंड बैटी को ऑफिस में ले जाता है। फिर वो कहता है तुमने पहले ही टेस्ट में कैप्टन ऑफ नाइट को डिफीट कर दिया एंड तुमने वर्डलेस मैजिक का भी यूज किया है। अगर तुम क्रिएटर के बेटे हो तो इसका कोई खास रीजन होगा कि तुम बचपन में ही इतने पावरफुल हो। तो फिर मैं आशा करता हूँ कि तुम हमारी मदद करोगे। तुमने देखा होगा कि यहाँ के स्टूडेंट स्पेशल स्पेल का यूज करते हैं। एंड बैटी कहता है कि हाँ, उनमें से कई के स्पेल अनइफेक्टिव थे लेकिन मेरा वर्डलेस मैजिक स्पेल एकदम इफेक्टिव है। तभी हेडमास्टर कहता है वो वर्डलेस मैजिक स्पेल एक लॉस्ट आर्ट है। तब बैटी मन में कहता है मैं सही था। फिर हेडमास्टर कहता है कि मैं हमारे कंट्री में किसी को भी नहीं जानता हूँ जिसे ये वर्डलेस मैजिक स्पेल आता हो। मैं आशा करता हूँ कि वो हम तुमसे रिसीव कर सके एंड बाकी स्टूडेंट्स को भी सिखा सके। बेटी कहता है कि मैं एकदम रेडी हूँ। फिर हेडमास्टर कहता है हम उसके लिए बंधे हुए हैं। रॉयल कैपिटल में एक और एकेडमी है जो कि है फर्स्ट एकेडमी, जिनके पास हायर अचीवमेंट एकेडमी का है एंड एरिस्टोक्रास्ट का भी उन्हें सपोर्ट है। अब वो हमें फोर्स कर रहे हैं जिससे हम उन्हें फॉलो करें। बैटी कहता है एकेडमिक अचीवमेंट एंड फिर एक टीचर कहता है ये है फर्स्ट रॉयल एकेडमी की अचीवमेंट्स की रिसर्च। एंड यहाँ पर अपना बैटी बुक देखता है एंड वो कहता है कि इसमें तो बस सिर्फ कुछ मैजिक स्पेल्स है। फिर हेडमास्टर कहता है कि उस एरा में हमारी मैजिकल रिसर्च सिर्फ मैजिकल स्पेल पे ही फोकस करती है, इसमें वर्डलेस मैजिक स्पेल बिल्कुल भी जोड़ा नहीं गया है। फिर बैटी कहता है कि हम इसमें वर्डलेस स्पेल को कैसे जोड़ सकते हैं। फिर हेडमास्टर कहता है हमारे स्टूडेंट ने इस स्कूल को कम्पेट करने के लिए चुना है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें दिखाओ कि वर्डलेस स्पेल कितना पावरफुल है। बैटी कहता है कि आपको इसमें मेरी हेल्प चाहिए थी एंड हेडमास्टर कहता है कि हाँ। फिर हेडमास्टर कहता है कि प्लीज बैटियस, हमें आशा है कि तुम हमें सिखा दोगे, ये सिर्फ हमारे लिए करोगे ना। एंड बैटी कहता है हाँ ओके। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर सारे स्टूडेंट से कहता है कि आज हम वर्डलेस मैजिक स्पेल पर फोकस करेंगे, जिसे सुन के सारे स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। फिर वो टीचर कहता है आज हमने स्पेशल लेक्चर रखा है स्पेल के लिए जो कि आपको ये सिखाएगा। एंड ये बैटी होता है। फिर वो बैटी को स्पेल यूज़ करने को कहते हैं एंड बैटी उस स्पेल का यूज करता है एंड अपने टारगेट पर निशाना लगाता है। फिर टीचर कहता है कि अकेला बैटी ऐसी नहीं है जो कि स्पेल का यूज कर सकता है, मिस्टर गोजिल प्लीज। एंड फिर वहाँ पर खड़ा बंदा भी उस मैजिक का यूज करता है, हालांकि उसके निशाने उतने अच्छे नहीं लगते पर एकाद लग जाता है। वो कहता है कि मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ लेकिन इसे बैटियस के गाइडेंस के अंदर एक दिन में ही सीखा है। बाद में बैटी देखता है कि सारे स्टूडेंट वर्डलेस मैजिक स्पेल का यूज कर रहे होते हैं एंड उसे जल्दी से सीख रहे होते हैं। एंड यहाँ पर आलमा भी अच्छे से कर रही होती है। तभी लूरी बैटी से कहती है कि वो करना चाहती है लेकिन उससे उसका पुराना वाला मैजिक ही हो रहा है। वैसे इस वर्डलेस स्पेल मैजिक को आराम से यूज कर सकते हैं एंड इसे सीख भी सकते हैं।
तो क्यों वो लोग स्पेल का यूज नहीं करते हैं पहले से। एंड अब डैडी सोचता है मैंने कर दिया लेकिन क्या रीजन होगा वर्डलेस मैजिक स्पेल के पीछे का। तभी लूरी कहती है हे मैटी। एंड फिर मैटी कहता है कि हाँ मैं भूल गया था, वैसे मुझे तुम अपना हाथ देना। फिर लूरी के अंदर अपना मैजिक ट्रांसफर करता है। लूरी कहती है तुम ये कर सकते हो। एंड मैटी कहता है कि हाँ मैं इसे मैजिक ट्रांसफर एक बोल लाता हूँ, हम इससे मैजिक एंचेंटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद लूरी भी वर्डलेस मैजिक स्पेल का यूज कर पा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूरी एंड आलमा बातें कर रहे होते हैं। एंड इनकी बातों से पता चलता है कि फर्स्ट रॉयल एकेडमी एंड मैटी की एकेडमी के बीच फाइट होगी। एंड यहाँ पर दोनों ही एकेडमी के चुने गए स्टूडेंट एक दूसरे से फाइट करेगी। एंड जो भी जीतेगा उसे फॉरगॉट मेगा कैप्टन का टाइटल दिया जाएगा। फिर मैटी कहता है कि उसके सामने उससे भी 10 गुना पावरफुल पर्सन को भेजा जाएगा। फिर लूरी कहती है कि वो तो फिर डीमन ट्राइब होगी। एंड मैटी कहता है क्या डीमन ट्राइब ह्यूमंस के अगेंस्ट होती है। वो कहती है कि हाँ लेकिन तुमने क्यों पूछा। एंड मैटी कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर मैटी की बारी आती है ग्राउंड में जाने की। एंड वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं। एंड वो मैटी का मजाक बना रहे होते हैं। फिर हम एक जगह पर फर्स्ट एकेडमी के हेडमास्टर को देखते हैं जो कि कहता है कि हमारी 65th वाली जीत होगी। एंड यहाँ पर मैटी के एकेडमी के हेडमास्टर भी होते हैं। फिर सीन ग्राउंड में आता है जहाँ पर ये लोग अभी भी मैटी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैटी मन में कहता है कि ये लोग डीमन है, इन्होंने फिजिकली मैनिपुलेट मैजिक का यूज किया है अपेरेंस को चेंज करने के लिए। एंड इतने में फाइट स्टार्ट होती है जहां पर दो बंदे मैटी पर अटैक करते हैं लेकिन मैटी उन्हें दूर फेंक देता है। फिर वो पहला स्टूडेंट फायर मैजिक का यूज करता है, वो भी बिना स्पेल बोले। एंड मैटी कहता है कि तुम मेरे जाल में फंस ही गए। मैटी कहता है इसने बस दिखावा किया है। एंड वो लड़ने लगता है। फिर मैटी समझ जाता है कि ये डीमन वर्डलेस स्पेल मैजिक का यूज कर रहा है। एंड वर्डलेस मैजिक के गायब होने के पीछे ये डीमन ट्राइब का ही हाथ है। डीमन स्पीसीज ने इस मैजिक को इसलिए गायब कर दिया जिससे वो इंसानों को आराम से हरा सके। फिर मैटी अपने स्पेल का यूज करता है एंड उस पर अटैक करता है। एंड तुरंत ही उस पर कट लगा देता है। एंड वो लड़का अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है। एंड वो मैटी से कहता है कि अब ये मत कहना कि तुमने उस पे मैजिक कैंसलेशन मैजिक यूज किया है। एंड मैटी कहता है कि हाँ। एंड सारे लोग उसका डीमन फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट एकेडमी का हेडमास्टर कहता है क्या वो एक डीमन है। एंड मैटी के एकेडमी का हेडमास्टर कहता है सारे स्टूडेंट यहाँ से निकलो। फिर मैटी उस डीमन से कहता है कि अब तुम क्या करोगे। एंड वो डीमन उड़ने को जाता है। एंड अपना मैटी उसके पंख पर ही अटैक करता है एंड उसे एक ही बार में धराशाही कर देता है। तब उसका हेडमास्टर कहता है उसने अकेले एक डीमन को हरा दिया। फिर मैटी कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि वर्डलेस मैजिक स्पेल कहाँ गायब हो गया था। इन डीमन ने उस स्पेल को गायब कर दिया था जिससे वो अकेले ही उसे यूज कर सके। शायद मेरी पास्ट लाइफ में मैंने सारे डीमन्स को नहीं मारा था, कुछ बच गए थे। मतलब ये वही पर्सन है जिसको हमने फर्स्ट सीन में देखा था। अब तुम लोगों के कई सवाल होंगे जो मैं आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा।